Press the bell icon button. Now I'll be served from Junaira Food Diary and subscribe to. उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड किया और इसको ग्राइंड करने के साथ इसके अंदर छोटी जो है मैंने प्याज, दो जगह जो है लहसुन के और थोड़ी सी अदरक डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। आधा किलो के करीब जो है वो दही है, इसके अलावा नमक है जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, लाल मिर्च है वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, आधी चाय की चम्मच ज़ीरा है और एक चाय का चम्मच जो है वो चाट मसाला है। इसके अलावा खट्टी मीठी इमली की चटनी है, प्याज है एक छोटी और टमाटर वो भी मैंने काट के रखा है और हरी मिर्चें हैं तकरीबन दो तीन जो कि मैंने काट के रखी हुई हैं। अच्छा जी, दही को आप देख लें, दही को मैंने दूध डाल के इस तरह कर लिया है गाढ़ा गाढ़ा सा। इसके अंदर अब मैंने डालना है थोड़ा सा ज़ीरा है जो कि मैंने भून के इसको थोड़ा क्रश कर लिया है। इसके अलावा नमक है आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और थोड़ी सी अजवाइन है थोड़ी सी बिल्कुल, वो आप अपने हाथ में मसल के इसके अंदर डाल दें जो कि आपके टेस्ट को और मज़ेदार बना देगा। अच्छा जी, ये थोड़ा सा आप सोडा डाल दें और देखिए इसको सोडा डाल के आपने पड़े नहीं रहने देना, उसके तकरीबन 5 मिनट बाद या उससे भी पहले आप इसको फ्राई करना शुरू कर दें क्योंकि ये तो बिल्कुल बह जाएगा, खमीर ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसके बैटर का भी आप देख लें, ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नरम है, ये देख लें जैसे कि हम पकौड़े पे बनाते हैं ऐसे ही है ये, ये आप देख सकते हैं। चलिए जी, अब हम पकौड़े डालते हैं आँच की डाल के। इसकी शेप पे मत जाइएगा, खाने तो हमें दही भल्ले ही है। आप देख सकते हैं दही भल्ले जो हैं फ्राई हुए हैं। हमारे पेज सुनहरा फूड डायरीज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और जो पहले की रेसिपी है वो भी आपको कैसी लग रही है। इसको तकरीबन हमने गोल्डन ब्राउन होने के बाद निकाल लेंगे। हमारे माश और मूंग की दाल के पकौड़े जो हैं दही भल्ले जो है वो तैयार है। अच्छा, इनको सॉफ्ट करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए पानी में डालेंगे तकरीबन इनको तकरीबन आधा मिनट या 1 मिनट तक के लिए हम इनको भिगो देंगे ताकि ये नरम हो जाए, थोड़ी क्रिस्पीनेस इनकी ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये कि अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, हमारे दही भल्ले देख लें, इनको बिल्कुल आज के लिए के साथ दही भल्लों को बिल्कुल आस्ते एक साथ दबा के इनके अंदर से जो पानी है वो निकाल लें। जितने भी दही भल्ले हैं वो सब ऐसे ही इतनी जोर से नहीं दबाइएगा कि बिल्कुल टूट जाए। डेकोरेशन करते हैं दही भल्ले की।
ये आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़े से बनाए हैं, बाकी कमी और ज़्यादती तो होती है। ये थोड़ा सा देखें टमाटर डाले, थोड़ी सी हरी मिर्च, ये प्याज थोड़ा सा डाला है। इसके अलावा खट्टी मीठी जो इमली की चटनी है वो डाली। खट्टी मीठी इमली की चटनी जो है वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको इसकी रेसिपी मालूम हो जाएगी। इसके अलावा थोड़ा सा मैंने और जीरा जो है वो ऐड किया, लाल मिर्चें जो है वो थोड़ी सी और डाली, और चाट मसाला जो कि होम मेड है, इसको भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये डालें। और ये मज़ेदार से दही भल्ले जो हैं वो तैयार हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे हमारी डायरी, हमारी जो है चैनल जुनैरा फूड डायरी, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लग रही है। इंशाल्लाह आइंदा किसी और अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह।